नमस्कार, आप देख रहे हैं टेक्सटाइल टाइम्स। मैं हूं आपके साथ डूंगर सिंह सोडा। शुरुआत करते हैं दिनभर की बड़ी और अहम खबरों से। BHU में अत्याधुनिक टेक्सटाइल लैब की स्थापना को हरी झंडी मिल गई है। इस लैब की स्थापना संकाय में बनने वाले टेक्सटाइल सेंटर के अंतर्गत होगी। BHU की एकेडमिक और एजुकेटिव काउंसलिंग से टेक्सटाइल सेंटर खोलने की स्वीकृति पहले से ही मिल चुकी थी। टेक्सटाइल सेंटर की ये लैब यूपी की पहली अत्याधुनिक लैब होगी। सूत्रों के अनुसार सेंटर में फैशन डिजाइनिंग, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, टाई डाई, स्किल डेवलपमेंट, कंप्यूटर एडिटिंग, आर्ट एंड क्राफ्ट के शॉर्ट टर्म कोर्स प्रारंभ करने की योजना है। संकाय में अभी तक टेक्सटाइल की पढ़ाई पेंटिंग विभाग के अंतर्गत कराई जाती थी। मौजूदा समय में ये कुल 9 प्रवेशी विद्यार्थियों में 7% विद्यार्थी टेक्सटाइल को मिलते थे। सेंटर बनने के बाद सीट की संख्या करीब 40 पहुंच जाएगी। BHU की वेबसाइट पर भी टेक्सटाइल सेंटर की स्वतंत्र रूप से दिखेगा। फिलहाल पेंटिंग विभाग के विकल्प को क्लिक करने पर टेक्सटाइल के बारे में जानकारी मिलेगी। अत्याधुनिक टेक्सटाइल लैब की स्थापना न सिर्फ विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा बल्कि वस्त्र निर्माण से उद्योग से जुड़े कारोबारियों को भी सहूलियत मिलेगी। मौजूदा समय में बिट्रा, निट्रा, सिट्रा और मिट्रा के माध्यम से ही फैब्रिक का उच्च स्तरीय परीक्षण होता है। एक नमूने में विस्तृत रिपोर्ट के लिए विद्यार्थियों को 8 से 10 हज़ार रुपये खर्च करने पड़ते हैं। फिलहाल बनारस और भदोही में टेक्सटाइल लैब है। एक लैब बनारस के बुनकर सेवा केंद्र और दूसरी लैब भदोही में है, जहाँ कलिनों के प्रत्युत होने वाले धागों का प्रशिक्षण होता है। तकनीकी दृष्टि में दोनों ही लैब ओल्ड मॉडल में हैं। इन दोनों लैब में फैब्रिक अथवा धागों की मजबूती के बारे में जानकारी मिल पाती है। BHU में बनने वाली लैब में धागों का उपयोग, रंगों और धुलाई के तौर तरीकों की विस्तृत जानकारी मिलेगी। आज की इस खास रिपोर्ट में इतना ही। आप देखते रहिए टेक्सटाइल टाइम्स। नमस्कार।